सोशल मीडिया पर आज कन्हैया कुमार खूब ट्रोल हो रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाओं से नहीं बल्कि सीपीआई के राज्य कार्यालय में अपने कमरे से एसी निकाल ले जाने के चलते वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। सीपीआई के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने कार्यालय से कन्हैया के एसी ले जाने की बात मानी, लेकिन साथ ही कहा कि उन्होंने ही लगवाया था तो वो ले गए। इसे लेकर मीडिया में खबरें आने के बाद कन्हैया कुमार को यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने एक अखबार के खबर के साथ ट्वीट किया कि हमको तो जेएनयू हॉस्टल वाली करतूते ही पता थी, आज ये कांड भी सामने आ गया। पूरम में एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं। एक और ट्वीट कर उन्होंने कहा, जो जितना बड़ा गद्दार कांग्रेस में उसकी एंट्री उतनी ही जोरदार। अमीश देवगन ने ट्वीट किया कि क्या किसी पॉलिटिक्स पार्टी के दफ्तर से किसी नेता ने एसी चुरा लिया है। रेखा चौबे कहती नजर आई कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले हुनर दिखाना पड़ता है। भाजपा नेता मनीष शुक्ल ने ट्वीट किया कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य जिग्नेश बेवानी और कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ, आखिर ऐसे सभी तत्वों को कांग्रेस का दामन ही क्यों छांव देता है। दरअसल ये वही कन्हैया कुमार हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में छात्र राजनीति के दौरान कथित देश विरोधी नारेबाजी की वजह से चर्चा में आए थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई एमएलए के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो भाजपा के कद्दूवार नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ मैदान में उतरे थे। बेगूसराय में भूमिहार मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा मानी जाती रही है और कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में भी वो खुद को साबित करने में विफल रहे। भाजपा नेता गिरिराज सिंह के मुकाबले 4 लाख के बड़े अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेसी मानते हैं कि बिहार में उसे नए चेहरे की जरूरत है। चुनाव में एक के बाद एक मिल रही हार के बीच कांग्रेस पार्टी अब खुद को बदलने की तैयारी में है। अब कांग्रेस की नजर आगामी विधानसभा चुनाव पर है। इसके तहत वह युवाओं को पार्टी में शामिल करने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस का मानना है कि छात्र नेता के तौर पर कन्हैया को संगठन का अनुभव है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस बात से कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने के भले ही अटकलें लग रही हूं, लेकिन उनका कांग्रेस में जाना लगभग तय है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार नजर आ रहे हैं।